आज हम बनाएंगे फायरलेस कुकिंग रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है और बनाना भी काफ़ी आसान है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड लिए हैं, तो हमें ब्रेड के किनारों को काट लेना है। मैं ब्रेड के किनारों को चाकू से काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे कैंची से भी कट कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह चारों ब्रेड के किनारों को काट लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर ली है बारीक कटी हुई गाजर, और मैंने ली है यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा ओरिगैनो, और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। यहाँ पर मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, आप चाहें तो यहाँ पर दूध की ताज़ी मलाई भी ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यह देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैंने इस मिक्सचर को ब्रेड के ऊपर लगा दिया है, हमें किनारों पर भी इस मिक्सचर को अच्छे से लगाना है। आप चाहें तो हरी चटनी या फिर टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन इस सैंडविच में हरी चटनी और की ज़रूरत नहीं है। यह सैंडविच वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रीमी लगता है, सैंडविच बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप एक बार इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई कीजिए, इसे बड़े क्या बच्चे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इसे हल्की फुल्की भूख में सुबह को नाश्ते में बना सकते हैं, या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। यह झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप चाहें तो इस सैंडविच को बटर लगाकर पैन पे भी सेक सकते हैं, या फिर सैंडविच मेकर में भी सेक सकते हैं। वैसे यह सैंडविच ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो कुसुम कुकिंग लैब को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई। आज हम बनाएंगे फायरलेस कुकिंग रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, और बनाना भी काफ़ी आसान है। इस रेसिपी को बड़े क्या बच्चे भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 छोटी बारीक कटी हुई प्याज ली है, और साथ ही इसमें डाली है 1/2 कटी हुई शिमला मिर्ची, और इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर। अब मैंने इन सब में ऐड किया है 3 से 4 बड़े चम्मच दही और 1 चम्मच केचप। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाला है स्वाद के अनुसार नमक। ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ओरिगैनो और 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड लिए हैं, हमें यहाँ पर ब्रेड के किनारों को काट लेना है। मैंने सभी ब्रेड के किनारों को काट लिया है। हम इस मिक्सचर को ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे। आपको अच्छे से ये मिक्सचर ब्रेड पर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड पर मिक्सचर लगा लिया है। अब हमें ब्रेड को एक के ऊपर एक रखना है और 3रे ब्रेड से कवर कर लेना है।
बस अब आप मन चाहे आकार में सैंडविच को कट कर सकते हैं। यह सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस सैंडविच को जरूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वायरलेस रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बनाएंगे फायरलेस कुकिंग रेसिपी। इसे आप स्कूल के कंपटीशन में भी बना सकते हैं और कोई त्यौहार हो उसमें भी झटपट इसे बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप मिठाई खाने के शौकीन हैं, 4 मिनट में बनने वाली यह रेसिपी एकदम बनके तैयार हो जाती है और यह बड़े क्या बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप नारियल का बुरादा और लेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच दूध। अब इन सबको मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम दूध और डालेंगे। हमें इसका पेस्ट बनाना है तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दूध और डाल दिया है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर हम ज़्यादा दूध एक बार डाल देंगे तो यह पतला हो जाएगा। हमें इसका गाढ़ा एक पेस्ट बनाना है और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यह देखिए हमारा गाढ़ा सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने आधा चुकंदर लिया है जो मैंने अच्छे से धो लिया है और उसको छील लिया है। तो यहाँ पे मैंने चुकंदर को घिस लिया है। हम इसका जूस निकालेंगे। तो जूस मैंने इसका निकाल लिया है। अब हम बनाए हुए पेस्ट में डालेंगे 1/2 चम्मच चुकंदर का जूस। पेस्ट में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और इसमें चुकंदर का फ्लेवर तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो बस हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर कटा हुआ पिस्ता और कटे हुए बादाम लिए हैं। उनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा कलरफुल पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डाला है 1/2 गिलास पानी। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच चीनी। आप 2 की जगह ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, सबको अच्छे से मिलाएंगे। इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें चीनी मेल्ट ना हो जाए। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच चुकंदर का जूस, 1/2 चम्मच जूस इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा मुझे यह कलर लाइट लगा तो हमें इसे और डार्क करना है। तो मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पे और ऐड किया है। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 ब्रेड। ब्रेड को आप किसी भी गिलास या कटोरी से काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर कटोरी ली है। यह देखिए बड़ी आसानी से कट जाता है। दूसरे ब्रेड को भी हम इसी तरह काटेंगे। आप इसे कटर से भी काट सकते हैं। बस हमारे दोनों ब्रेड कट के तैयार हो गए। हमने जो यह पेस्ट बनाया है उसको हम चम्मच से ब्रेड पे इस तरह चम्मच से लगाएंगे। इस तरह ब्रेड पे रखेंगे और फिर चम्मच से लगाएंगे। यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है। हमने यहाँ पे कोई फूड कलर यूज नहीं किया है। इसको अच्छे से चम्मच से चारों तरफ फैलाएंगे। यह देखिए अब हम दूसरी ब्रेड पर भी इसी तरीके से पेस्ट लगाकर तैयार करेंगे। अब हमने दोनों ब्रेड को इसी तरह पेस्ट लगाकर तैयार कर लिया है। अब यह हमारे सादे वाले ब्रेड हम इसके ऊपर से रख देंगे। अब हम ये जो कलरफुल हमारा पानी है इसमें भिगोकर उसको हल्का सा प्रेस करके उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा इसमें अच्छे से चिपक जाएगा। यह हमारी झटपट से बनने वाली मिठाई
चटनी अच्छी लग रही है। इसको डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पर रखेंगे टूटी फ्रूटी, आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। यह हमारी झटपट सी बनने वाली मिठाई बनके तैयार हो गई। त्योहारों पर अगर आपके पास टाइम नहीं है और मीठा खाने का मन है तो झटपट यह रेसिपी मेहमानों के सामने बनाइए, खाइए और खिलाइए हमें, और हमें बताइए यह रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस रेसिपी को बड़े क्या बच्चे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो। बनाना बहुत आसान है, बच्चे भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। नमस्कार, कुसुम कुकिंग लैब में आपका स्वागत है। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इन ट्राई कलर मिनी सैंडविच को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 4 ब्रेड। अब मैंने यहाँ ब्रेड के किनारों को अलग कर दिया है। मैंने इस तरह सारे ब्रेड के किनारों को अलग कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई गाजर, मैश किया हुआ पनीर और बारीक कटा हुआ खीरा लिया है। अब मैं यहाँ पर गाजर में 1 बड़ा चम्मच केचप डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मायो भी डाल दिया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पर मैश किए हुए पनीर में 1 चम्मच मायो डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने कटे हुए खीरे में 1 चम्मच हरे धनिए की चटनी डाली है। ये हरी चटनी बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैं यह हरे धनिए की चटनी थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने 1 ब्रेड लिया है और इसके ऊपर से गाजर का मिक्सचर अच्छे से फैला दिया है। इसको ब्रेड पर अच्छे से लगाना है। अब मैंने यहाँ पर ब्रेड को दूसरी ब्रेड से कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ लगा रही हूँ पनीर वाला मिक्सचर। इसे लगाकर भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और इसको भी तीसरे ब्रेड से कवर कर लेंगे। अब मैंने इस तरह ब्रेड पर भी ये खीरे का मिक्सचर लगा लिया है। इस मिक्सचर को भी हम अच्छे से फैलाते हुए लगाना है। अब मैंने सैंडविच पर टूथपिक लगा ली है जिससे सैंडविच आसानी से कट जाएं। ये हमारी टेस्टी और हेल्दी ट्राई कलर सैंडविच बनकर तैयार हो गई है और देखने में भी अच्छी लग रही है। बच्चों को तो यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए।